उरी अटैक पर बनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में अभी तक की सबसे सक्सेसफुल मूवी कही जा सकती है। फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही बल्कि देशवासियों के अंदर देशभक्ति जगाने में भी कामयाब रही। हाउस द जोश जैसे डायलॉग आज सोशल मीडिया पर छा गए हैं। वहीं उरी का असर अभी उतरा भी नहीं था कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करने की नौबत आ गई। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले और फिर बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक जैसी घटनाओं ने बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को मूवी बनाने का एक नया टॉपिक दे दिया है। खबर है कि कई फिल्म निर्माताओं में इस घटना पर फिल्म बनाने की होड़ सी मच गई है। कुछ ने तो इसके लिए टाइटल रजिस्टर्ड कराना भी शुरू कर दिया है। विंग कमांडर अभिनंदन के नाम पर भी कुछ प्रोड्यूसर्स ने बुकिंग कर डाली है। जहां एक ओर पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन की देश वापसी पर लोग खुश हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म प्रोड्यूसर उन पर फिल्म बनाने की प्लानिंग कर चुके हैं। बता दें, पाकिस्तानी हमलावर विमानों को खदेड़ने के दौरान हुए विमान हादसे में अभिनंदन पाकिस्तानी आर्मी के हाथ लग गए थे, मगर अब उनकी देश वापसी हो चुकी है। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पास टाइटल बुक कराने के लिए बहुत सी एप्लीकेशंस अभी से आ गई हैं। ये टाइटल पुलवामा में हुए आतंकी हमले, बालाकोट में IAF की एयर स्ट्राइक और विंग कमांडर अभिनंदन से जुड़े हुए हैं। जिस तरह के टाइटल बुक कराए जा रहे हैं उनमें पुलवामा द डेडली अटैक, पुलवामा अटैक वर्सेस सर्जिकल स्ट्राइक 2, सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन जैसे टाइटल यूज किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि विक्रम मल्होत्रा की अबुन दंतिया एंटरटेनमेंट और भूषण कुमार की टी सीरीज ने भी टाइटल रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन डाली है। बता दें, फिल्म बनाने से पहले प्रोडक्शन हाउस को 250 रुपये और 18% GST के साथ अपना टाइटल और उसके कुछ ऑप्शंस को सबमिट करना पड़ता है। बताया ये भी जा रहा है कि अभी तक कम से कम 5 प्रोडक्शन हाउस ने पुलवामा अटैक और अभिनंदन के टाइटल्स को रजिस्टर करा दिया है।